हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS. वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज स्टूडेंट हम यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विसेज के PYQ डिस्कस करेंगे, राइट. इससे पहले स्टूडेंट हम 70 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर 70 तक, राइट. तो 70 नंबर क्वेश्चन हो गया था जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, और अब हम करेंगे स्टूडेंट 71 नंबर क्वेश्चन. ठीक है जी, तो 71 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, वेट वन सेकेंड. हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 71 नंबर यहाँ पे स्टूडेंट. तो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसके ऊपर है, अच्छा, द वर्जन ऑफ द रॉक्स इज द मास्टर पीस ऑफ विच पेंटर. क्वेश्चन है स्टूडेंट रॉक एक बुक के बारे में पूछा है, द वर्जन ऑफ द रॉक इज द मास्टर पीस ऑफ विच पेंटर. पेंटर के बारे में पूछा. सी हियर स्टूडेंट, कोई फेमस पेंटर है, कोई फेमस पोएट है, कोई फेमस कोई ऑथर है, ठीक है, ये आपको पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए. मैं इसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई बुक भी सुजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई बुक है नहीं. ठीक है, मैंने तो नहीं देखी है. ठीक है, आप कोई हो, आपके पास कुछ हो ऐसी बुक तो प्लीज़ मुझे रेफ़र ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में. ठीक है, ओके. बट हाँ, इनको कवर करने के एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई कोई स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ना कभी कभी आता रहता है कि फेमस बुक इज रिटन बाय दिस ऑथर, ठीक है, ये फेमस पेंटिंग है, राइट. तो किसी ना किसी इवेंट पे बनाई होती है, वहाँ से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि हाँ जी, इस ऑथर, ये जो है ये बहुत फेमस ऑथर है, ये बहुत फेमस पोएट है, ठीक है, इसने कौन सी फेमस बुक्स लिखी हैं. ठीक है, ऐसे तो आप सर्च करने बैठोगे तो स्टूडेंट पता नहीं कितनी आ जाएंगी. ठीक है, बट हाँ, जो आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर है, GS के अंदर है, राइट, कोई ऑथर का नाम है, कोई पोएट है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रखे, उसके बारे में थोड़ा नेट पे सर्च करके और उसकी दो तीन लिख लीजिए. ठीक है, अगर आप यू आर लकी, ठीक है, तो आप में से हो सकता है कि उसमें से आप कोई एक आधा क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन आप कर ले जाओ और आपको बाकियों से एज मिल जाए. ठीक है जी, ओके. तो फेमस हमारे जो थे वो थे लियोनार्डो डी विंची. ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट जो थी द वर्जन ऑफ द रॉक, एक बहुत ही फेमस मास्टर पीस ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे इन्होंने पेंट की थी, लियोनार्डो डी विंची. ठीक है जी, ओके. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें सच कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं, राइट, तो आप कर ही सकते हैं आराम से. ठीक है, ओके. 72 नंबर क्वेश्चन पे आओ. कहता हु गेव द आइडिया ऑफ पेनी पोस्ट एंड फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन, ये आइडिया किसने दिया था, ये पूछा. ठीक है, इसका भी देखो कोई सोर्स तो है नहीं, कोई सोर्स नहीं है स्टूडेंट. मैं कहूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको फलानी फलानी जगह पे जगह से आया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है. उसने आपसे जर्नली ये क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट. ठीक है, एक जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन है स्टूडेंट. ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो जिसने मतलब यू नो पेनी पोस्ट फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन का जो यू नो आइडिया को क्वाइन किया था. ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है स्टूडेंट, बताइए कौन है भाई. हाँ जी, आंसर पढ़ो, पहले तो आप आंसर ही पढ़ लो स्टूडेंट ध्यान से. हाँ जी, पढ़ लिया. इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट रॉलैंड हिल ने जो है उसने पूछा था. रॉलैंड हिल ने, ये थे जिन्होंने आइडिया दिया था पेनी पोस्ट फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन का. क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, ओके. ठीक है जी, रॉलैंड हिल जो थे वो उन्होंने आइडिया दिया था पेनी पोस्ट फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन. ठीक है बच्चे, ओके. वैसे तो ना अगर आप पंजाब PCS के, एक चीज और भी अभी अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक की, अगर स्टूडेंट आप ना PCS के PYQ भी ध्यान से देख लेते हो और उसमें जितने भी ऑथर हैं, राइटर हैं, कोई पोएट है, कोई फेमस आपका पेंटर है, आप ना उनको ऐसे करो, एक कॉपी पे लिखो, लिख के और उनकी फेमस पेंटिंग के नेम और बुक का नेम, ठीक है, कुछ भी उसने लिखा है उसके बारे में आप ना ऐसे करो, एक ना नोट बना लो और उसको पढ़ लेना. ठीक है, ये भी तरीका है स्टूडेंट थोड़ा सा यू नो स्मार्ट खेलने का, या कितनी सारी बुक्स में से कुछ ढूंढो, कोई रह जाए. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि
क्या पता है क्वेश्चन जो है वो आपके PYQ का कोई ऑथर देख के, कोई राइटर देख के, कोई पेंटर देख के ही वो दोबारा से क्वेश्चन सेट कर दे, है ना। ओके तो आप ऐसे ये भी करना स्टूडेंट, ये वाला तरीका भी लगाना। ओके तो लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट हम, 73rd नंबर को तो आ जाते हैं। कहता है इन 1975 वेयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। 1975 के अंदर आपको पता है स्टूडेंट फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन ए थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स मेट ए कॉलोनियल मिलिशिया, ठीक है, मिल्टिया, ठीक है। अच्छा फर्स्ट बैटल बतानी है स्टूडेंट कहाँ पे हुई थी, बॉस्टन में हुई थी, लिंकटन में हुई थी, जेम्स टाउन में हुई थी या फिर ट्रेंटन में हुई थी, बताइए कहाँ पे हुई थी हमारी फर्स्ट बैटल अमेरिकन रेवोल्यूशन की, पूछा उसने स्टूडेंट। हाँ जी तो कहाँ हुई थी स्टूडेंट हमारी, कहाँ हुई थी हमारी, लेक्सिंगटन में हुई, लेक्सिंगटन में हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स मेट विद एट द कॉलोनियल मिल, ठीक है। ओके कॉलोनियल मिलिटेंस, ओके ओके हाँ जी। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। कहता हु रोट द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, किसने लिखी, किसको, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये किसने लिखी है ये पूछा है आपसे, तो बताइए किसने लिखी है, किसने लिखी है बताइए जल्दी से बताओ किसने लिखी स्टूडेंट, बता सकता है कोई, ऐसा होगा ही नहीं आप में से किसी को, मतलब हो सकता है किसी ना किसी, चलो जिसने नहीं पढ़ा उसको तो खैर मैं मानती हूँ कि जैसे बिल्कुल ही सब्जेक्ट नहीं पढ़े, अभी PCS की तैयारी शुरू की है, ठीक है, बट जिसकी ओवर होगी है ना स्टूडेंट, जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी मैंने अपनी तैयारी करके रख ली है PCS के लिए, वो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जीन जैकस रोसो ने, इन्होंने लिखा था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके जी ठीक है जी, तो 75 नंबर क्वेश्चन। सी हियर स्टूडेंट एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे आपको, जो पंजाब है ना स्टूडेंट, पंजाब जो स्टेट है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट है स्टूडेंट, उसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है किसकी, पाकिस्तान की, ठीक है, और इधर हमारा पंजाब है, ठीक है जी। वन थिंग यू शुड रिमेम्बर दैट एग्जामिनर जो है ना वो कभी कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पुट करता है, क्योंकि यहाँ पे ना वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है इस रीजन के अंदर किसकी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, कि हमारे रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भी पता है हमारे बॉर्डर है स्टूडेंट, अटारी बॉर्डर, ठीक है, बहुत ही फेमस अमृतसर का हमारा बॉर्डर है स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड, हालांकि मेजर ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट ही लेती है इंटरनेशनल रिलेशन, बट हाँ उसमें स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल रहता है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग दैट फॉरेन रिलेशंस, ठीक है जी। जैसे अभी आपको पता है कि जो हमारा करतारपुर साहिब का कॉरिडोर है उसको ओपन करने के पीछे का मेन रीजन है स्टूडेंट रिलीजियस सेंटीमेंट, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, कहता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पाकिस्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द अबव पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका आंसर है करेक्ट, आपको भी पता है इमरान खान, ठीक है। खैर इस टाइम पे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पॉलिटिकल का क्या ही बात करें, ठीक है, पॉलिटिकली इट इज़ वेरी वीक एंड एज वेल एज इकॉनमी, इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर रही है पाकिस्तान की, ठीक है जी। पॉलिटिकल कोई खास मैप है नहीं इस टाइम पे, ऑलमोस्ट एक तरीके से आर्मी ही वहाँ पे रूल कर रही है। हाँ जी नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। कहता वालमवीर एलची इलची, अजीब सा नाम है यार, उलियानम वाज वेरी पॉपुलरली नोन एज व्हाट, ठीक है 76 नंबर क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, पॉलिटिकल वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों में से ये क्वेश्चन पुट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ओके हाँ जी तो अटेम्प्ट कीजिए।
हाँ जी, तो क्या है लेनिन, क्या है स्टूडेंट लेनिन, लेनिन, लेनिन जो है वो वही पॉपुलर था, इसी नेम उसका यही नाम था। ठीक है जी, फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना आज, कुछ इतना खास इंटरेस्ट है मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं मतलब कि फैक्चुअल होगा तो आपको थोड़ा समय भी टेंस कर सकता है आपको कि यार ये देखो कैसे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं है स्टूडेंट, 100 के 100 क्वेश्चन थोड़ी ना ऐसे। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कितने मिल जाएंगे एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिल जाएंगे, 80 क्वेश्चन तो फिर भी आपके हाथ में पड़े हुए। ठीक है, अगर ज़्यादा ही आप सेंटी हो गए हो, पहली बात तो सेंटी होना नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे जब आप पीसीएस की फुल तैयारी कर लोगे। ठीक है, फुल ऑन फुल हर सब्जेक्ट पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कहता था द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोवस्क वॉज द पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन विच कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोवस्क वॉज पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज के बीच में पूछा है स्टूडेंट, आप बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अभी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है जी, हाँ जी, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी पूछी जाती है स्टूडेंट। सी हियर स्टूडेंट, प्लीज रिमेम्बर, दो तीन टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो सबको ही पता होता है कि पॉलिटी करनी है ना, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ये सब्जेक्ट तो सारों को ही पता होता है। बट इसके अलावा बच्चों को नहीं पता होता कि पंजाब सिविल सर्विसेज के पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, बट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट जैसे कि सोशलिज्म, ये आप लिख लीजिए स्टूडेंट साइड में, सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, कम्युनिस्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है ना, ठीक है, और इनको किसने क्वाइन किया, कब क्वाइन किया, किसका क्या मतलब है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इनका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, सो दैट आप इनको बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सको। ठीक है, काफ़ी अच्छी वेट है जाए तो इसका मतलब इग्नोर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब बताइए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रशिया एंड द सेंट्रल पावर के बीच में ये ब्रिटिश। ठीक है जी, डन है, ओके ओके। 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से अटेम्प्ट करो स्टूडेंट, ज़्यादा आपा वो नहीं करेंगे। कहता नेम द टू जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर फोर्स टू अपेंड देयर सिग्नेचर्स ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इन 1919। आपको भी पता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, यू मस्ट नो अबाउट दिस ट्रीटी, इन 1919 के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। हाँ जी, अब बताओ आप मुझे, अब आप इसका आंसर करो स्टूडेंट मुझे फटाफट से। हाँ जी बताओ, तो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स बताना है हु वर फोर्स टू अपेंड देयर सिग्नेचर ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, कौन थे, मुलर एंड बेल, कौन थे, मुलर एंड बेल। ठीक है, पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको इसके बारे में, नहीं पता है तो उसका मतलब आप बहुत पीछे हो अभी तैयारी में। ठीक है, कोई भी बच्चा ये ना सोच के बैठे कि हाँ जी हमने हमारी तैयारी तो फुल हो गई है, बस एक बार पीसीएस आ ही जाए, मेरा तो रैंक 1 ही आएगा या मैं तो टॉप 10 रैंक में ही आऊँगा, नहीं, पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छे से मिरर दिखाते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए। कहता ऑपरेशन बर्बरोसा वाज द कोड नेम फॉर द इन्वेजन ऑन विच कंट्री, किस कंट्री को इन्वेड किया गया था इस ऑपरेशन के अंडर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, या वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। हाँ जी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या है ये ऑपरेशन बर्बरोसा, दैट इज यूएसएसआर, यूएसएसआर को इन्वेड करने के लिए स्टूडेंट ये ऑपरेशन चलाया था। क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको या नहीं क्लियर, बताओ। ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, कहता है हरप्पन सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ व्हाट, हड़प्पन सील्स जो बनाई गई वो किससे बनाई जाती थी मोस्टली। अच्छा ऑप्शन है, कहता है सीटेटाइट, रेड सैंडस्टोन, टेराकोटा, आइवरी। देखो इससे तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसा ऐसा होता तो सारे
एलिफेंट उस इलाके के सब खत्म भी हो जाते, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेराकोटा से भी नहीं, रेड सैंड स्टोन से भी नहीं, सेटेटाइट से बनाई जाती थी। स्टूडेंट कौन सी हड़प्पन सील्स? हड़प्पन सील का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सील वर्ड को पता है, समझते हो आप? जैसे मान लो आपको भी पता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड करते थे स्टूडेंट, इवन इंटरनेशनल ट्रेड। आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया तक क्या होता था, ईरान तक ट्रेड हुआ करता था वाया अरब सी। तो स्टूडेंट जो भी चीज़ वो सेल करते थे है ना, जो भी चीज़ भेजते थे उसके ऊपर एक सील लगाते थे, इसके ऊपर मार्क होता था कोई ना कोई, ठीक है। तो ये शो करता था कि वो जो भी क्वांटिटी आपने भेजी है, जो भी सामान आपने भेजा है, वो बिल्कुल भी टेम्पर नहीं हुआ, बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, टेम्पर नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ये बात इंश्योर करता था वो सील। और किससे बनी होती थी? सिटेटाइट से बनी होती थी। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये बात? ठीक है जी। तो 81 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। कहता था लीडर ऑफ द जैन गना वाज नोन एज व्हाट? जैन जो हमारा रिलीजन है स्टूडेंट, उसके लीडर को क्या बोला जाता है, किस नाम से वो जाना जाता है, बताइए। हाँ जी बताओ स्टूडेंट्स, दैट इज गनाधार। ठीक है, गनाधार इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। स्टूडेंट दो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज योर बुद्धिज्म एंड सेकेंड वन इज योर जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही जो रिलीजन है स्टूडेंट, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों के फेवरेट टॉपिक है स्टूडेंट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चन पुट करते हैं। ठीक है जी, तो गनाधार इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके बच्चा आगे मूव करते हैं 82 पे। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। कहता है इबन बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत है ना, बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से आया सर स्टूडेंट इबन बतूता? दैट इज फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को कहाँ पे वैसे बताना मेरे को, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट, आज के टाइम पे मोरक्को कहाँ पे है? ठीक है, मोरक्को के बारे में बताओ स्टूडेंट। तो इबन बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे, मैंने बता ही देना था, बच गई, ठीक है, क्वेश्चन खराब हो जाता। वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था स्टूडेंट। ठीक है, इसने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी थी स्टूडेंट, दैट वी कॉल्ड रेहला। रेहला नाम की इसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी स्टूडेंट, जो यू नो रेहला नाम की जो बुक थी ना, वो स्टूडेंट हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में, उस टाइम पे कैसा कल्चर था, राइट, उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी थी, उसके बारे में ना बहुत अच्छे से बताती है ये बुक रेहला। ठीक है, रिटन बाय इबन बतूता। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, जिसमें हमारी इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे जो भी था, कास्ट सिस्टम था, रिलीजन कैसा था, कौन सा रिलीजन ज़्यादा प्रिवलेंट कर रहा था, कास्ट सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा डोमिनेट करती थी, ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल मिलती है हमें इस बुक के थ्रू, जिसको किसने लिखा था, इबन बतूता ने लिखा था। ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है जी, तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी 83 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ो। आई थिंक सो कि आज मैं थोड़ा पॉज कम ले रही हूँ, है ना, थोड़ा फैक्चुअल है ना इसलिए, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मैम भगा ही रहे हैं, ओ माई गॉड इतनी फास्ट तरीके से मैम करवा रहे हैं, ठीक है, ओके। हु वाज द पर्शियन अपॉइंटेड बाय द अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस? वेस्टर्न प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किसको अपॉइंट किया था, कौन सा पर्शियन था जिसको अपॉइंट किया था अशोका ने? पर्शियन पर्सन था स्टूडेंट, उसको अपॉइंट किया था वेस्टर्न प्रोविंस को, यू नो गवर्न करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, तो वो कौन था आप बताइए। हाँ जी बताओ स्टूडेंट, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दैट इज सपा। बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास बहुत बार आता है कि मैम हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर मैम हम न्यू एनसीईआरटी पढ़े, तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट न्यू एनसीईआरटी। आई नो कि ओल्ड एनसीईआरटी इज मच बेटर, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ, बहुत ही ज़्यादा उसको यू नो वेल इलेबोरेशन के साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टूडेंट क्वेश्चंस आपको न्यू एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, तो दैट्स वाई स्टूडेंट न्यू एनसीईआरटी इज मस्ट स्टूडेंट, तो दैट्स वाई
करेक्ट ऑप्शन है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है स्टूडेंट आपको, ओल्ड नहीं पढ़नी, ठीक है? पढ़िए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप उसमें से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रेफरेंस दीजिए, किसी बच्चे ने एनसीईआरटी परचेज नहीं किए तो मैं आपसे एक ही सुजेशन दूंगी मैं आपको, कि आप न्यू एनसीईआरटी परचेज कीजिए। ओल्ड है वेल एंड गुड, ठीक है, बट आप न्यू एनसीईआरटी ज़रूर परचेज कीजिए, ठीक है? न्यू एनसीईआरटी आपको परचेज करनी ही करनी है, चाहे किसी के पास ओल्ड है नहीं है, ठीक है? नहीं है तो न्यू एनसीईआरटी कीजिए, ओल्ड है तो न्यू एनसीईआरटी आप फिर भी कीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है जी। 84 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, कन्वर सिंह वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करता था हमारे कन्वर सिंह स्टूडेंट? दैट इज बिहार, करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। बिहार से बिलोंग करते थे स्टूडेंट हमारे कौन? कन्वर सिंह, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया था, राइट? थोड़ा बहुत बता सकते हो स्टूडेंट 1857 की कुछ इंपॉर्टेंट, यू नो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा लेक्चर है ना, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख सकते हो 1857 के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं you know, कुछ लिख रहे हैं, वो थोड़ा मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आई एम वेरी ग्लैड स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप थोड़ा लिखोगे 1857 के बारे में, थोड़ा लिखो आप, जो भी आपके माइंड में कुछ भी यू नो पॉइंट है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो आप लिखा कीजिए स्टूडेंट, ठीक है? ओके, 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है दस्तक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आई डोंट नो मैंने कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कहता है द दस्तक सिस्टम विच वॉज अडॉप्टेड बाई द ब्रिटिश इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर एक्सपेंशन वॉज रिलेटेड टू वट? ऑप्शन पढ़िए स्टूडेंट, ऑप्शन पढ़ो बच्चे, ऑप्शन पढ़ो। कहता है मिलिट्री पावर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, ट्रेड प्रिविलेजेस एंड। दस्तक सिस्टम जो था स्टूडेंट, ये दिया गया था हमारे इंडियन रूलर्स के थ्रू टू ब्रिटिशर्स, बाद में वो बिल्कुल एक गले की हड्डी बन गई हमारे रूलर्स के लिए, जिसके अंडर स्टूडेंट ब्रिटिशर्स को टैक्स कंसेशन दिया जाता था कि हाँ जी आप कम टैक्स पे कीजिए, ठीक है, और प्रिविलेजेस भी दी जा रही थी, ठीक है, अंडर द दस्तक सिस्टम। अच्छा, दस्तक सिस्टम शुरू किसने किया, कौन से इंडियन रूलर ने कब इशू किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता दोगे? ओके, तो बता देना स्टूडेंट प्लीज, ठीक है, ओके। 86 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी हाँ जी, अटेम्प्ट करो बच्चे। 86 नंबर कहता हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर फ्रॉम द रामानंदी संप्रदाय इन द लीनेज ऑफ द जगत गुरु रामानंदाचार्य, ठीक है? इनके बारे में रामानंदाचार्य पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर फ्रॉम द रामानंदी संप्रदाय इन द लीनेज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य। अब आपको इस पे क्वेश्चन बताना है, जी बताना है कौन थे, रिफॉर्मर और फिलोसोफर दोनों पूछे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज अवर तुलसीदास, करेक्ट ऑप्शन इज अवर तुलसीदास, ठीक है? तुलसीदास थे स्टूडेंट हमारे रिफॉर्मर और फिलोसोफर फ्रॉम द रामानंदी संप्रदाय इन द लीनेज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य, ठीक है जी? ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। 87 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, 87। कहता था स्टोरी ऑफ विधेय माधव, स्टोरी नरेट की थी, द स्टोरी ऑफ विधेय माधव इज नरेटेड इन व्हाट? द स्टोरी ऑफ विधेय माधव इज नरेटेड इन व्हाट, बताओ? अथर्ववेद, यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद, सामवेद, बताओ जी। द स्टोरी ऑफ विधा माधव इज नरेटेड इन व्हाट, बताओ?
विदे माधव इज नरेटेड इन व्हाट, बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट हमारा, तो आप आंसर दो, ठीक है। दैट इज अवर यजुर्वेद, ठीक है। आई होप कि आपका आंसर सही होगा। आपको भी पता है चार हमारे वेद हैं स्टूडेंट, वेदास हैं, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, राइट, ओके, ठीक है जी। तो यजुर्वेद द स्टोरी ऑफ विदह माधव जो है, वहीं पे माधव की स्टोरी जो है वो हमारे यजुर्वेद में क्या की गई है, नरेट की गई, ठीक है जी, ओके, क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको, डेफिनेटली ओके, ठीक है स्टूडेंट। बाकी हमारे आई थिंक 13 क्वेश्चन ही बचे हैं स्टूडेंट, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2021, हमारा जो पेपर हुआ था 2020, जो हमारा अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम था, रिसेंटली हुआ था, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन कोई डाउट भी है अगर आपको कुछ भी, ठीक है, आपको गाइडेंस की नीड है, आपको मेंटरशिप की नीड है, आपको स्टूडेंट अभी आपने प्रिपरेशन कर ली है, पूरी हो गई है आपकी, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि हाँ जी अब मैं क्या करूं, ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे, दोबारा से करनी चाहिए, दोबारा से लेक्चर देखने चाहिए या क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अभिमन्यु IAS के अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट की सिर्फ आप सिर्फ अगर आपको एडमिशन लेना है तभी आप विजिट करो, ठीक है, आप वैसे भी कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई भी पूछना स्टूडेंट, कुछ भी पूछना आपको, कुछ भी रिलेटेड टू पंजाब सिविल सर्विसेज, बाकी जो एग्जाम्स हो रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपको उनसे उन पे कुछ पूछना है, आपको उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप फ्रीली स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, बहुत बच्चे इवन मेरे से पूछते भी हैं, सब्जेक्ट में भी मान लो कोई टॉपिक है आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसको कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तब भी स्टूडेंट आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। और भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी आपको पूछना है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।